नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन बीएससी 87 अंक ऊपर और निफ्टी 26 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। इससे पहले बुधवार को बीएससी 224 अंक नीचे और निफ्टी 69 पॉइंट की गिरावट के साथ खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएससी 281 अंक तक और निफ्टी 32 पॉइंट तक नीचे चला गया था। कारोबार के अंत में बीएससी 37 अंक नीचे 38,369 और निफ्टी 14 पॉइंट नीचे 11,308 पर बंद हुआ था। ईमानदार टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। देश में प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इसके लिए कनाडा की बॉमरडियर, फ्रांस की ऑस्ट्रॉम, जर्मनी की सीमेंस, भारत की जीएमआर, वेदांता, भारत फोर्ज, स्टारलाइट पावर, मेधा, आई बोध, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईआरसीटीसी, बीएमईएल सहित 23 कंपनियों ने आवेदन दिए हैं। भारतीय रेलवे की ओर से हुई दूसरी प्री बिड कॉन्फ्रेंस में इन सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके पहले पहली प्री बिड कॉन्फ्रेंस में भी 16 बड़ी कंपनियों ने भाग लिया था। कॉन्फ्रेंस में रेलवे ने अपनी तैयारियों और जरूरतों के बारे में सभी कंपनियों को जानकारी दी है। सरकार को उम्मीद है कि इस नए प्रयोग से करीब 30,000 करोड़ का निवेश रेलवे में आएगा। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह स्थिर हैं। 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की। दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपए प्रति लीटर हो गया था। केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा टैक्स नहीं घटाए जाने के कारण दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें यथावत हैं। हर साल बैंकों में चेकों के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े से संबंधित हजारों मामले सामने आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बार की एमपीसी बैठक में पॉजिटिव पे सिस्टम का ऐलान किया है, जिसमें पॉजिटिव पे के माध्यम से फर्जी चेक से होने वाले फ्रॉड से निजात मिलेगा। यह सिस्टम 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की रकम वाले चेकों पर लागू होगा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते रोजगार पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। हायरिंग एक्टिविटी में जून के मुकाबले जुलाई 2020 में 5% का मामूली सुधार नजर आया है। पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में हायरिंग एक्टिविटी 47% कम है। यह जानकारी नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स ने दी है। देश की गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की हालत सरकार द्वारा दी गई राहत से कोरोना वायरस महामारी के बाद सुधारने में मदद मिल रही है। एनबीएफसी के AAA रेटेड 5 वर्षीय बॉन्ड को खरीदते समय निवेशक समान मैच्योरिटी वाले सरकारी बॉन्ड के मुकाबले में 2012 के बाद पिछले महीने सर्वाधिक कमी आई है। पिछले 2 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 50,441 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,972 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। वहीं वैश्विक बाजारों में भी सोने का भाव लगातार गिर रहा है। अमेरिका में भी सोना वायदा $1,900 प्रति औंस के नीचे कारोबार कर रहा है। कोविड-19 की वजह से देश में हॉस्पिटलिटी सेक्टर और होटल के कारोबार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। माना जा रहा है कि अगले 6 महीने तक देश के 50% होटलों की स्थिति में सुधार होने की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि अगले 1 साल तक इसमें सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चलते दूसरी तिमाही की जीडीपी में 20% की कमी आई है, जिसके साथ ही अर्थव्यवस्था आधिकारिक रूप से मंदी की चपेट में आ गई है। ब्रिटेन में लगातार 2 तिमाही के दौरान नकारात्मक आर्थिक वृद्धि दर होने पर अर्थव्यवस्था को आधिकारिक रूप से मंदी में माना जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 2.2% घटी थी। ONS के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि इससे संकेत मिलता है कि यह एक कठिन समय है और कई अन्य नौकरियां खत्म होंगी। सुनक ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि आगे कठिन समय है और आज के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह कठिन समय है। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने पहले ही अपनी नौकरी खो दी है और दुख की बात है कि आने वाले महीनों में कई अन्य लोगों के साथ ऐसा होगा। उन्होंने कहा, हमें आगे कठिन फैसले लेने पड़ेंगे।
कर संकट में फंसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए 13 वैश्विक व घरेलू निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई में कर्जदाताओं ने बकाया कर्ज वसूल करने को लेकर RCFL के लिए बोलियां मंगाई थी। रुचि पत्र दायर करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त थी। सूत्रों के अनुसार कैप्री ग्लोबल इंडिया, RF, GM फाइनेंस, ARC, एडवाइज, ARC, UV, ARC, आर्गो कैपिटल, ARCIL, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड, एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज, CFM, ARC इन्वेस्ट, ARC रेयर, ARC और इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने रुचि पत्र जमा किए हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार RCFL का नया ब्रांड नाम रिलायंस मनी कर दिया गया है। कंपनी की कुल प्रबंधित संपत्ति 11,000 करोड़ रुपए है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में 16 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। आय कम होने से कंपनी को नुकसान हुआ है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने BSE को दी सूचना में कहा है कि एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में कंपनी को 13 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी की कुल आय चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 615 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में 1,317 करोड़ रुपए थी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में 16 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। आय कम होने से कंपनी को नुकसान हुआ है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने BSE को दी सूचना में कहा है कि एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में कंपनी को 13 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी की कुल आय चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 615 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में 1,317 करोड़ रुपए थी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने कहा है कि COVID-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से कंपनी का कामकाज मार्च, अप्रैल और मई 2020 को प्रभावित हुआ है। देश की सबसे बड़ी लो एसिड खनन कंपनी NMDC ने खनिज की दरों में तत्काल प्रभाव से 300 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही लो एसिड की कीमत 2,950 रुपए प्रति टन हो गई है। लो एसिड इस्पात बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कच्चा माल है। इसकी कीमत में कोई भी बदलाव इस्पात की दरों पर सीधा असर डालता है। NMDC ने बताया कि उसने उच्च श्रेणी के लो एसिड की कीमत 300 रुपए बढ़ाकर 2,950 रुपए प्रति टन कर दी है। इसी तरह दोयम श्रेणी के अयस्क की कीमत 300 रुपए की वृद्धि के साथ 2,660 रुपए प्रति टन हो गई है। हुंडई क्रेटा का भारतीय बाजार में जलवा बरकरार है। इंडियन मार्केट में क्रेटा की बिक्री 5 लाख पार हो गई है। SUV ने यह आंकड़ा करीब 5 साल में पूरा किया है। हुंडई क्रेटा को भारत में साल 2015 में लॉन्च किया गया था। हुंडई ने इस साल मार्च में क्रेटा का सेकेंड जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है। पुराने मॉडल की तरह नई क्रेटा को भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। लॉकडाउन के बावजूद नई क्रेटा मई, जून और जुलाई में देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही। जुलाई में हुंडई ने 11,549 यूनिट क्रेटा बेची है। न्यू जनरेशन क्रेटा नए लुक और नए फीचर के साथ बाजार में उतारी गई है। कई नए फीचर के साथ हुंडई क्रेटा की कीमत 9,99,000 से 17,20,000 रुपए के बीच है। कार बनाने वाली कंपनी महिंद्रा की सब कॉम्पैक्ट SUV 300 सस्ती हो गई है। SUV 300 के दाम में 87,129 रुपए तक की कटौती हुई है। कीमत घटने के बाद अब इस SUV के दाम 7,95,000 से 11,75,000 रुपए के बीच हो गई है। पहले इसकी कीमत 8,30,000 से 12,14,000 रुपए के बीच थी। कंपनी ने महिंद्रा SUV 300 के डीजल मॉडल के W4 और W6 वेरिएंट्स को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट की कीमत घटा दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार। मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें।
सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निःशुल्क उपचार पाएं। याद रखें, शीघ्र उपचार जान बचाएगा।